मौत की ये लाइव तस्वीर आगरा से आई है, जहां हंसी खुशी का माहौल अचानक ही मातम में बदल गया। दरअसल आगरा के ताजगंज थाना इलाके के एक होटल में ट्रैवल एजेंसी का एक कार्यक्रम चल रहा था। मुंबई के रहने वाले विष्णुचंद्र दूधनाथ पांडे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने ताज नगरी आए हुए थे। 53 साल के विष्णुचंद ट्रैवल एजेंसी में एडमिशन एग्जीक्यूटिव थे। यहां उन्हें पुरस्कार देने के लिए मंच पर बुलाया गया। वो नाचते झूमते स्टेज पर पहुंचे और कुछ देर तक स्टेज पर डांस भी किया, लेकिन तभी अचानक डांस करते करते विष्णुचंद स्टेज पर गिर पड़े। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने की वजह से विष्णुचंद की मौत हुई। खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। अवार्ड फंक्शन में पहुंचे थे, पुरस्कृत किए जाना था और जैसे ही स्टेज पर उनका नाम अनाउंस हुआ, अपनी सीट से उठकर वो झूमते हुए स्टेज पर गए, वहां डांस किया, लेकिन अचानक डांस करते करते वो गिर पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है कि अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आया और एक नाचता झूमता अच्छा खासा इंसान दुनिया छोड़कर चला गया। तो आगरा में डांस करते करते मौत की खबर सामने आई, तो ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के पुणे में भी हुआ। पुणे में शिकारपुर तहसील के पिंपले जगताप गांव में 9वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की कबड्डी खेलते हुए मौत का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालय में शनिवार को छात्र कबड्डी खेल रहे थे, तभी गौरव नाम का छात्र अचानक जमीन पर गिर गया। स्कूल टीचर के मुताबिक बच्चा मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसकी नाक से खून बहने लगा। कुछ सेकेंड तक वो जमीन पर ही पैर मारता रहा। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। गौरव की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कबड्डी का मैच हो रहा था, ये स्टूडेंट कबड्डी खेल रहा था, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिरता है मुंह के बल। काफी देर तक जमीन पर पैर भी मारता रहता है, इस दौरान उसकी नाक से खून निकल रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने। जिंदगी का वाकई कोई भरोसा नहीं। नाचता गाता इंसान अचानक हार्ट अटैक आता है, स्टेज पर गिर जाता है और मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पुणे में एक छात्र कबड्डी का मैच खेल रहा था, जो उसके जीवन का आखिरी मैच साबित हुआ और यहीं पर वो जिंदगी की जंग हार गया। खेलते खेलते जमीन पर गिरा मुंह के बल, नाक से खून बहने लगा और काफी देर तक ये जमीन पर पैर भी मारता रहा। अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनसे मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंटल डेथ का मामला पुलिस ने इस पर दर्ज किया है। और इस वक्त आगरा से फोन लाइन पर शोभित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काफी हैरान करने वाली हैं और चिंतित करने वाली भी हैं, क्योंकि अवार्ड फंक्शन का दिन था। पुरस्कार लेने किस तरह हमारे दर्शक देख रहे हैं कि झूमते नाचते हुए ये शख्स स्टेज पर पहुंचा और अचानक न जाने क्या हुआ ये गिर पड़ा और पता चला हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई है। क्या कहना है इसके परिवार का अब? तो ये परिवार की जो तस्वीरें हैं ये हैरान करने वाली तो है ही, इसके साथ ही ये भी इससे साफ होता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये विष्णुचंद दूधनाथ पांडे हैं, ये मुंबई से आए थे, ट्रेवल एजेंसी का कार्यक्रम था, काफी खुशनुमा माहौल था, ये डांस कर रहे थे, काफी देर तक डांस करते रहे। जब इनका नाम अनाउंस हुआ स्टेज पर अवार्ड के लिए, ये स्टेज पर पहुंचे और डांस करते करते ही अवार्ड लेने के पहले ही ये गिर पड़े। पहले तो लोग समझ नहीं पाए, सब हैरान हो गए, सब परेशान हो गए कि आखिर ये हुआ क्या है। इन्हें कोशिश की गई उठाने की, लेकिन जब ये नहीं उठे तो इन्हें आनंद फानंद में सब लोग घबरा कर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पूरा माहौल ही बिगड़ गया। खुशनुमा माहौल था जहां मौत का साया आ गया। दूधनाथ पांडे को कभी ये उम्मीद नहीं थी इनका नाम अनाउंस होता है। बाकायदा जो स्क्रीन थी वहां पे इनका नाम भी लिखा जाता है और ये अवार्ड लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां इनकी मौत हो जाती है। तो नाचते नाचते ही इनकी मौत हो गई। कोई जना बात करने के हालात में नहीं है, पार्टी बंद कर दी जाती है और इस समय सभी लोग सदमे में है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सब लोग सदमे में है और आप देखिए पीछे स्क्रीन पर नाम भी लिखा हुआ है, पांडे जी अवार्ड लेने पहुंचे लेकिन जीवन का आखिरी मंच वो साबित हुआ। और ये पुणे से तस्वीर जहां पर एक छात्र का ये आखिरी कबड्डी मैच, अचानक जिंदगी चली गई, खेलते खेलते ही जमीन पर गिरा, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो पता चला कि अब कुछ नहीं बचा है, मृत्यु हो चुकी है इस छात्र की।